हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शाह व्लॉग्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे कनाडा में जो एक महीना कंप्लीट हो गया है उसके बारे में। मुझे यहाँ पे आने के बाद कैसा फील हुआ, क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस करे, आज हम उस सब के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं जब मैं कनाडा में लैंड हुआ था। तो जैसे ही मैं कनाडा में लैंड हुआ तो एकदम ऐसा लगा मेरे को एक अलग ही दुनिया में आ गया, क्योंकि इससे पहले मैं कभी कोई इंटरनेशनल ट्रिप पर नहीं गया था। तो जब मैं कनाडा में आया तो वैराइटीज का यहाँ का वेदर था, इतना नीट एंड क्लीन रोड्स थे, बहुत खाली सा एयरपोर्ट था, इतने कम लोग थे और एक एकदम नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए सब कुछ। उसके बाद मैं घर आ गया तो मैंने देखा यहाँ का वेदर तो काफ़ी ठंडा है, क्योंकि मैं इंडिया से आया था दिल्ली में। और जैसे ही मैंने यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि वहाँ तो गर्मी थी और यहाँ पर ठंडा था। तो ये चीज़ मैंने देखी, मेरे लिए इतने ज़्यादा चैलेंज हुए नहीं क्योंकि मेरी वाइफ ऑलरेडी यहाँ पर थी, तो मेरे को यहाँ पे रूम वगैरह ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। ऑलरेडी उन्होंने अपने आप से यहाँ पे रूम ढूंढ रखा था, मुझे बस आके रहना हुआ। फिर हम लोग ग्रॉसरी के लिए गए तो मैंने देखा यहाँ पर ग्रॉसरी स्टोर इतने ज़्यादा वेल मैनेज थे, इतने अच्छे से सब कुछ यहाँ पे सामान मिल रहा था, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कनाडा में हूँ क्योंकि इंडियन सारी ग्रॉसरी यहाँ पे अवेलेबल थी। मैंने यहाँ पे कुछ चैलेंजेस फेस किए, जैसे मेरा सिर नंबर की परेशानी जो अभी तक ठीक नहीं हुई, तो इससे मेरे को सीखने को मिला कि लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं। मैं इंडिया में था वहाँ पे भी परेशानियाँ मेरे साथ आती जाती रहती थी, तो यहाँ पर आने के बाद भी वही सब चलता रहा क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है, परेशानी आती जाती रहती है। फिर मैंने यहाँ पे लाइसेंस के लिए नॉलेज टेस्ट दिया जो मैंने एक ही बार में क्लियर कर लिया, और मैंने अपनी BC ID को भी अप्लाई किया, BC ID भी आ गई। फिर मैंने रोड टेस्ट दिया, उसमें मैं आपको पता ही है मेरी व्लॉग्स अगर आप देख रहे होंगे तो मैं उसमें फेल हो गया था। उसके अलावा मैंने यहाँ नई चीज़ें सीखी, जैसे कि मैंने कुकिंग सीखी। मेरे को इतना खाना बनाने में एक्सपर्ट नहीं था, मैं यहाँ पे अकेला रह रहा था तो मैंने कुछ ट्राई किया कुछ पकाने के लिए और वो काफ़ी अच्छा रहा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे नई नई जगह घूमने के लिए गए, मैंने और मेरी वाइफ ने, हमने साथ में काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, जैसे कि हम लोग बीच पे गए। इससे पहले मैं कभी बीच पे इंडिया में गया नहीं था क्योंकि मुझे हिल्स पे माउंटेन्स पे जाना बहुत पसंद था, ट्रैकिंग करना बहुत पसंद था, तो इस वजह से मैं कभी बीच पे गया भी नहीं, तो बीच का एक्सपीरियंस भी मेरा काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पे मैं एक दो पार्क में भी विजिट किया, मैंने यहाँ के फूड्स भी ट्राई करे, और बाई टिम हॉर्टन्स। तो अगर जब मैं कनाडा में नहीं था तो मैं सोचता था लोग यार टिम हॉर्टन्स इतना क्यों जाते हैं, तो आज की डेट में भाई एक महीना हुआ है और मुझे टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी फ्रेंच वनीला बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको क्या ही बताऊँ, मुझे अब ऐसा लगता है मैं कहीं जा रहा हूँ तो एक कॉफ़ी पकड़ के निकल जाऊँ, तो ऐसा हो रहा है। मैंने यहाँ पे मूवी का एक्सपीरियंस करा, मूवी थिएटर देखा यहाँ पर, काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे मैंने यहाँ की स्काई ट्रेन को देखा, तो गाइज यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है काफ़ी अच्छा है, यहाँ की बसेस स्काई ट्रेन काफ़ी अच्छी हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट हैं, फ्रेंडली हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। और मैं यहाँ पे मस्जिद में भी गया, दो जगह मैंने मस्जिद में विजिट करा, तो मस्जिद में भी लोग काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे से बात करते हैं। रही बात अभी जॉब वगैरह की, तो जॉब अभी मैं यहाँ पे सर्च नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास कोई सिर नंबर अभी है नहीं, तो इसलिए अभी जॉब्स का इतना कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास है नहीं। लेकिन मुझे यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ के रोड्स काफ़ी अच्छे लगे, बहुत क्लीन है वेदर यहाँ का, बहुत अच्छा है। लेकिन भाई कभी भी यहाँ वेदर बदल जाता है, अभी जैसे यहाँ धूप हो रही है तो थोड़ी देर में यहाँ पे ठंड हो जाएगी या फिर बारिश होने लगेगी, तो अनप्रेडिक्टेबल है यहाँ का वेदर काफ़ी। तो ओवरऑल मेरा कनाडा का वन मंथ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, पता भी नहीं चला गाइस एक महीना यूँ ही बीत गया, वक्त एकदम उड़ जाता है। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।